बहुत ही अच्छी जगह पर लेके जाने वाला हूँ। गाइज गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी दिखो रहा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधु लाइफस्टाइल में। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 11 बजे है और आज सबसे पहला आई हूँ टेरेस पे। अभी मैं आप लोगों को अपनी टेरेस का हाल दिखाती हूँ, जरा देखिए। देखिए ये ना, मैंने कल वैसे मैं टेरेस पे आई ही नहीं थी, बिकॉज सब कुछ नीचे ही काम कर रही थी। जैसा कि मैंने बोला था कि ये पत्ते बहुत ज्यादा उड़ उड़ के यहाँ पे पूरी टेरेस पे आ रहे हैं, तो अभी परसों ही मैंने साफ किया था, फिर कल मैं नहीं आई थी। तो फिर देखिए एक दिन में कितने सारे पत्ते हो गए। तो अभी से पहले क्लीन करूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी दोपहर का लंच बनाने के लिए। चले तो पहले फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ पूरी की पूरी हमारी टेरेस क्लीन। और हवाएं तो अब बिल्कुल स्टॉप हो गई है, बिल्कुल हवाएं है ही नहीं, देख सकते हो। और इसी वाले ट्री से ना ये सारे के सारे पत्तियां आई है। और बारिश भी देखिये, अभी बादल तो ऑलमोस्ट लगे हुए है बट कल से बारिश हुई नहीं है। चले तो पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। A few moments later. चलिए तो फाइनल पूरी टेरेस की अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई है, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश कर दूंगी। और देखिए ये पूरा भर के यहाँ से मैंने पत्ते सारी जगहों से क्लीन किया है, तो ये वॉश करूंगी और उसके बाद चलते हैं नीचे। लंच एकदम से बन के रेडी हो गया है। और अभी तक देखिए बाहर का वेदर बिल्कुल वैसा ही है, बादल लगे हुए हैं बट बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और ना ही हवाएं हैं। एकदम से वो गर्मी जैसा वापस से मौसम हो गया है ना, ऐसा लग रहा है। ना बारिश आ रही है ना हवाएं स्टार्ट है। चले तो फिलहाल लंच मेरा बन के रेडी हो गया है। अभी तो 1:30 में भी 5 मिनट बाकी है, तो फिलहाल अभी हेमल का वेट कर रही हूँ। जैसे ही हेमल आएंगे तो हम लोग लंच कर लेंगे। चले तो मार्केट से हेमल यहाँ पे आ गए हैं घर पे। हाय हेमल, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। लंच कब से बन गया है? 1 घंटा अभी हो जाएगा। आज थोड़ा लेट हो गया क्या? रोज लेट आते हैं और ऐसा बोलते हैं आके आज लेट हो गया। नहीं आज आप जहाँ हम जल्दी आज वैसे ना आप रोज से जल्दी आए हैं, ऐसा है। हाँ अभी 3 नहीं बजे देखिए, इसलिए आप थोड़ा जल्दी आ गए। 4 बजे आओ रोज? नहीं, मुझे तो 1 बजे भी चलेगा खाना। 12 बजे आ जाओ। अब जाए जाए ही मत। और रिट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रोज रोज ना ये टी शर्ट कहाँ से निकलती हो? ये कौन सा? देखो ये टी शर्ट है ना, ये टी शर्ट, ये मेरा टी शर्ट है, तो ये ना रिट्स जब भी देखो ना मेरे टी शर्ट अलग अलग निकालती रहती है और मैं ढूंढता हूँ तो मुझे नहीं मिलता। यस, आप ढूंढिए ना, आपको मिलता नहीं, उसमें मैं क्या करूँ, मैं ढूंढती हूँ तो मुझे मिल जाता है। हाफ स्लीव के मुझे ना टी शर्ट मिलता ही नहीं है, ये सब रिट्स उठा के पहन लेती है। सारे के सारे जो हाफ स्लीव के पहनती हूँ ना, वो हेमल के ही होते हैं, रेड वाला। फिर वो मैंने कल भी वो वॉच वाला पहना था, वो भी हेमल का था। मेरे पास टी शर्ट सारे के सारे हेमल के ही है। हाफ स्लीव में ढूंढता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। हाफ नहीं, मैं आपके फुल स्लीव के भी पहन लेती हूँ, आपको पता है? मुझे मालूम। यस, तो फिर क्या? तो ऐसा क्यों? गर्मी की वजह से। इसलिए आज गर्मी कितनी हो रही है, वो बिपोर जो सारी हवा लेके चला गया और आज इतनी ज्यादा गर्मी वापस आ हो रही है ना, ना ही बारिश आ रही है हेमल कुछ भी, और ना ही बाहर हवा है, वो एकदम से गर्मी हो रही है, ऐसा हो गया वापस से वो समर आ गया है। थोड़ा बहुत बाहर सब जगहों पे है, गुजरात में न्यूज में आ रहा है बारिश, बट यहाँ पे अभी नहीं हुई है बारिश। देखते हैं, वेट करेंगे बारिश का, और क्या कर सकते हैं। चले तो अभी लंच रेडी है, लंच करने बैठ जाते हैं, ठीक है? चलिए। चले तो हम लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए। और आज लंच में मैंने एकदम से सिंपल ही खाना बनाया है, तो जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ कि लंच में क्या क्या बना है आज। यहाँ पे एकदम से प्लेट रेडी है। और देखिए आज मैंने सब्जी बनाई है बेसन के गट्टे की, जो कि ग्रेवी वाली बनाई है, और उसके साथ है यहाँ पे बाजरी का रोटला, और यहाँ पे है हमारे चावल, और साथ में है यहाँ पे टमाटर और ऑनियन का सलाद, और यहाँ पे हमारा मक्खन वाला कर्ड जो कि चम्मच ही दिख रहा है। लो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है लॉट्स ऑफ मक्खन से भरी हुई पूरी की पूरी पैकेट मिल्क। और इतना सारा मक्खन खा खा के फिर हम मक्खन जैसे हो जाते हैं, तो फिर योगा करना पड़ता है। चलिए अभी लंच कर लेते हैं हम लोग। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हो चुकी है बहुत अच्छी इवनिंग और शाम के 6:30 बज गए है, और मैं यहाँ पे हो गए हूँ वापस से रेडी, और हेमल भी आई थिंक यही पे थे, आ गए, रेडी हो गए है। कब से रेडी हो? क्या कब से रेडी? कब से रेडी हूँ? कल से रेडी है, ऐसा बोलिए कल से। कब से कुछ नहीं है, अभी अभी आप वहाँ गए, इधर आए क्या? झूठ बोल रही है। कब से रेडी हूँ मैं? अभी आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ। देखिए 6:30 बजे, झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ ऐसा। चलिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और आज हेमल लेके जा रहे हैं मुझे मस्त सी बाइक राइड लेने। चलिए हेमल। अच्छा सच में ना? हाँ हेमल ने बोला, इसलिए तो मैं रेडी हुई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। आपने बोला रेडी हो जाओ, तो रेडी तो मैं हो गई,
चलिए ना अब ये फाइनली बता दूं मैं। यस चलिए, बहुत ही अच्छी जगह पर लेके जाने वाला हूँ अभी सडनली ही। ओके ठीक है, चलिए मुझे तो कहीं पे भी ले जाइए, बाहर निकलना किसे पसंद नहीं। वैसे भी अभी पोर्जोई की वजह से इतने दिनों से घर पे थे, सिर्फ वो समंदर देख के वापस घर पे, समंदर देखो घर पे, समंदर देखो घर पे, ऐसा हो गया था। और समंदर का भी वो रौद्र रूप देखने को मिल रहा था, बट अभी बहुत बेटर हो गया है और एकदम से समंदर शांत हो गया है। चलिए तो अभी चलते हैं घर से। चलिए और देखिए इस वाले रास्ते पे ना कोई नहीं था ना आज, देखिए क्योंकि ना दो दिन से सब लोग घर पे थे तो कहते ना परेशान हो गए थे, तो आज सब राहत की वो सांस लेके निकले हैं। देखिए दोनों साइड बैठे, अभी चौपाटी तो क्रॉस ही है ना, अमल चौपाटी नहीं अभी ओपन हुई है, बट यहाँ पे सब कुछ सब लोग आराम से बैठे हैं, देख सकते हैं। और चौपाटी आई थिंक दो दिनों में ओपन हो जाएगी, देखिए अभी भी यहाँ पे क्लोज ही है। देखिए जरा आगे रास्ता तो देखिए, ओ माय गॉड, अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हम लोग तो बाइक राइड लेने आए थे, तो देखिए यहाँ पे हमारे वो पोरबंदर का सबसे ब्यूटीफुल वाला रास्ता था ना, वो एकदम से कहते हैं ना बहुत ज्यादा खराब हालत में हो गया है, और जंगल के बीच से जा रहे हो ना बिल्कुल वैसा है। वैसे ना ये जब भी आप लोग द्वारका सोमनाथ वाला कहते हैं ना हाईवे, बट पोरबंदर सिटी में एंटर होते हैं ना तो बस यही वाला रास्ता आता है। बट देखिए हेमल पूरे ट्रीज, हाँ रंगबाई माँ का टेम्पल है, हम लोग यहीं से जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ट्री गिर गए हैं पूरे का पूरे, देखिए। और ये देखिए झुक भी कितने गए हैं। अभी हम लोग यहाँ से मुड़ जा रहे हैं, बिकॉज क्या ना आगे तो ऑलमोस्ट काम स्टार्ट ही है, जो ट्री गिर गए हैं ना वो सारे के सारे वो साइड पे कर रहे हैं और पूरा रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ओह ये क्या, देखो, देखिए गाइस यहाँ पे तो ये पूरी दीवार ही गिर गई है, और चेयर तो देखिए नीचे रास्तों पे आ गई है, ये ट्री गिरा होगा ना आई थिंक, देखिए हाँ पूरा ट्री गिर गया है उसकी वजह से। देखिए कब्जागी नेगे नाचनाचु नो नान आमु मालदो हाल सुगा ओप्सोच्ची चन्नुने बाना। अभी हम लोग पहुंच गए हैं वापस से घर पे, हम लोग गए थे हेमल जैसा कि बाइक राइड लेने ले गए थे, और हेमल ने बोला था कि बहुत अच्छी जगह पे लेके जाने वाला हूँ, बट क्या है ना कि बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू तो आ रहा था, बट वो सारा का सारा ना बिपोर जोई की वजह से सब ट्री ना उसकी पत्तियां गिर गई थी, तो एकदम से ग्रीनरी हो गया था और बहुत सारे ट्री भी वहां से गिर गए थे, बट पूरा रास्ता ऐसे जंगल के बीच से जाते है ना ऐसा हो गया है, तो ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं और थोड़ा बहुत नुकसान भी वहां पे हुआ है। चलिए तो फिलहाल अभी हम लोग तो पहुंच गए हैं घर पे, अब जो कुछ भी काम है वो फिनिश करूंगी, मेरा एडिटिंग अपलोडिंग का, थोड़ा बहुत डिनर बनाएंगे और डिनर करेंगे। सो चलिए फिलहाल आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard.